होती है, एडजस्ट भी कई बार करना पड़ता है, बट ये जो छोटी छोटी चीजें आप सीखते हो ना, आई थिंक ये बेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर टेकिंग दिस वीडियो। और आज है एक नया दिन, और नया दिन आधा खत्म हो चुका है क्योंकि आज है फ्राइडे और दोपहर हो रही है, मतलब करीब करीब 4 बज रही है अभी। और मैं जो हूं आपको एकदम रेडी दिख रही हूं किचन में काम करते हुए। सो उसके पीछे दो चीज़ें हैं। पहली कि मैं बना रही थी अभी कुछ कॉन्टेंट, कुछ वीडियोज, जो कि और एक मैंने सिटिंग वीडियो आज बनाने का सोचा होता तो वो अभी आधे ही शूट हुआ है, तो वो बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत दिन से बहुत ही बड़ा रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो वो शूट करना है। और उसके अलावा मैंने कुछ रील्स, कुछ फनी रील्स शूट की हैं नेदरलैंड से रिलेटेड, जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और अभी बचे जैसे मैंने कहा 4, सो आज अदिशी फ्राइडे के दिन आती है लेट, तो मुझे थोड़ा लंबा दिन मिल जाता है। तो मैंने आज क्या किया, घर का भी सारा काम कर लिया, सारा घर अच्छे से साफ वाफ कर दिया, जो कि मैं यूजुअली थर्सडे के दिन करती हूँ, बट कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो वो वाला काम जो है, जो कहते हैं ना, अड़ गया था बिल्कुल, कल मैंने कुछ भी काम नहीं किया। तो फिर आज मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन वीन कर दिया, जो कि वीकेंड पे वापस वैसा ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया एक बार का। और रील शूट कर ली और सब कुछ, और थोड़ा बहुत अपनी एडिटिंग का काम निपटा लिया, और साथ में मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, मतलब इंटरेस्टिंग कम मेहनत में जो कुछ अलग चीज़ है, तो मैं वो भी करने वाली हूँ। और भी जो भी है ये वीकेंड शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत दिन बाद वीकेंड पे व्लॉग कर रही हूँ आई थिंक, क्योंकि मैं हमेशा आजकल मिडिल ऑफ द वीक ही कुछ ना कुछ शूट करती हूँ। और आप ये देखेंगे जब तक एक और व्लॉग है वो भी आज अपलोड करने वाली हूँ मैं, तो वो भी हो गया होगा आई थिंक, तो आई मीन आपने देख ही लिया होगा जब तक आप ये वाला व्लॉग देखोगे। तो अदिशी जो है अभी गई हुई है स्कूल, और वह 5:30 बजे, 4:30 बजे आती है, 3:30 की जगह लेट आती है। और उसके लेट आने के पीछे रीज़न ये है कि उसकी रहती है बॉलीवुड डांस क्लास, तो मैं 10-15 मिनट में उसे लेने जाऊंगी, तब तक मैं तो ऐसे खाने की तैयारी कर रही हूँ, फिर हम उसे लेने चलेंगे। तो ठीक है, आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं, एंड आई होप कि ये व्लॉग आप जब देखो तो आपको बहुत मज़ा आए, और ये वीकेंड व्लॉग है, बहुत दिन बाद बना रही हूँ, तो ऑफकोर्स आपको मज़ा आएगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम राजकुमारी जी को वापस ले आए हैं स्कूल से, और राजकुमारी जी जो हैं स्लोली स्लोली चल रही हैं बहुत, और मेरे हाथ में सामान है तो मुझे अलसी आ रही है कुल मिला के। क्या किया आज स्कूल में, कुछ खास? हाँ, और मैं आ रही थी वापस, मैं कुछ है स्कूल में क्या किया वो नहीं बताना है, फ्रेंड के साथ क्या मिला क्या हुआ। अदिशी के सारे फ्रेंड्स हर चीज़ अदिशी के साथ शेयर करते हैं, सारे, कोई स्टिकर शेयर कर रहा है, कोई चॉकलेट शेयर कर रहा है, तो मतलब ओवरऑल अदिशी के काफ़ी मज़े दोस्तों के मामले में, है ना? हाँ, चतरी है बहुत अदिशी, सबको पटा के रखती है। तो अदिशी वापस आ गई है, और अदिशी ने जो है टिफिन फिनिश कर दिया है, सिर्फ थोड़ा सा छोड़ा है, एकदम थोड़ा सा ना, सो दैट्स फाइन। या तो हमारी डील क्या है, अदिशी अगर टिफिन फिनिश करेगी तो क्या होता है, देखने मिलता है टीवी। और अगर अदिशी टिफिन फिनिश करके नहीं आती है तो उस दिन टीवी नहीं देख सकती है अदिशी। पर आज एनीवेज इवन मैंने फिनिश भी नहीं करा, स्टिल देख सकती क्योंकि आज मेरी ये मूवी डे है। हाँ, क्योंकि आज फ्राइडे, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा दिया था, उस हिसाब से ठीक है ना। गुड, ओके। सो मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरे किचन में ऊपर लाइट नहीं है, तो ऑफकोर्स मैं थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। सो यहाँ मैंने खड़े मसूर, राजमा, चने काले वाले जो आते हैं वो सब चीज़ें जो है बॉईल कर ली है। राजमा थोड़े से कम बॉईल हुए हैं क्योंकि बाकी चीज़ें
जल्दी बॉईल हो जाती हैं तो मुझे बंद करना पड़ा, लेकिन हाँ फिर भी बॉईल हो गए राजमा एकदम जैसे हम राजमा चावल के लिए करते हैं उतने नहीं हुए। फोकस, आई डोंट नो फोकस क्यों नहीं आ रहा है, बट उतने तो नहीं हुए लेकिन हो गए। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसका लगाने वाली हूँ तड़का, लाइक छोले या इस तरह से टाइप का कुछ बनाने वाली हूँ, और उसके बाद यूज़ करूँगी ये ना टाकोज़ है, और ये ना मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बताया, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ आती है, लेकिन जो हम कहते हैं ना कटोरी चाट टाइप का, ये बन के रेडी हो जाएगा। एक मिनट, लाइक दिस। तो ये इस तरह के हैं, तो इन्हें ये करना होता है कि इन्हें हम बेकिंग ट्रे में जमा लेंगे और उसके बाद इन्हें बेक कर लेंगे थोड़ी सी देर, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि ये थोड़े से, क्योंकि थोड़े कच्चे कच्चे लगते हैं, और उसके बाद वो सारी चाट और सब कुछ इसमें डाल के और चाट बनाएंगे, लाइक राज कचौरी या फिर हम कह सकते हैं कटोरी चाट। तो मैं अभी फ़िलहाल में से बेक कर रही हूँ, उसके बाद बाकी तैयारी करूँगी तो बेक कर लेती हूँ। तो आज मैंने बीच का रास्ता अपनाया और छोटी कढ़ाई में बना रही हूँ, बर्तन बचा रही हूँ और इसे गर्म रख दिया, तो अभी तड़का रेडी करके इसमें डाल दूँगी। जैसे हम छोले बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ, तो कुछ नया नहीं है, जैसे करते वैसे ही बनाए, तो मैंने ऐसे कुछ तड़का कुछ अलग सा आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की। उसके अलावा मैंने इन्हें भी बेक कर लिया, तो अभी थोड़े से गर्म है, लेकिन हाँ ये भी अच्छी तरह बेक हो गए। तो ओवरऑल जो रेसिपी है वो रेडी हो गई, और अभी हमारे एक फ्रेंड आने वाले हैं जस्ट फॉर कॉफ़ी, फॉर सम वर्क रीजंस, तो खैर मैं उनके साथ व्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि वो कभी व्लॉग में नहीं आते, कंफर्टेबल नहीं होते, बट उनके लिए मैंने थोड़े से भजे की तैयारी की है क्योंकि शाम का टाइम है, तो कॉफ़ी पीते हुए और ये सब करते हुए कुछ साथ में होना चाहिए ना खाने के लिए, कॉफ़ी चाय के साथ। तो मैं थोड़ी सी भजे की रेड को तैयारी की और बाकी मैं डिनर रेडी करके रख रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, सो हमने जो हमारी हेल्दी वाली चाट बनाई है बिना आलू के वो एकदम रेडी है, और ये जो हमारे टैकोज हैं ये भी एकदम रेडी हैं। तो अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ, तो पहले तो डाल दो ये, उसके बाद में थोड़ा सा दही, फिर चटनी, फिर प्याज, उसके बाद बारीक वाली सेव, और चूंकि हमें सेव ज़रूरत से ज़्यादा पसंद है तो हम दो टाइप की सेव डालेंगे, एक लॉन्ग वाली और दूसरी फीकी वाली। हेलो, सो हम रेडी हो गए हैं, और आज है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, क्योंकि कल दिन भर मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक था, सो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सोई हूँ मैं, कल कुछ भी काम नहीं हुआ है। लेकिन अभी अदिशी हो गई है रेडी, और अदिशी जा रही है अपने फ्रेंड के बर्थडे में, और न्यू ड्रेस भी पहनी भैया अदिशी ने, तो अदिशी जो है वो बर्थडे में जा रही है, तो ठीक है हम निकलते। नीरो ईवी, आज डैडी फिर से एक नया एडिशन गाड़ी का चला रहे, अद्भुत। हमें ऐसा लगता है कि रेंट पे कार लेके चलने से एक फायदा ये है कि आप हर तरह की कार चला सकते हो, जो जिसमें आज ये जो है बहुत अच्छी है, मतलब मुझे तो हमेशा ही कार में बैठ के अच्छा लगता है, लेकिन आशीष चलाते हैं तो उन्हें ज़्यादा समझ में आता है कि कैसा लग रहा है। तो आशीष कह रहे हैं कि बहुत एकदम बहुत स्मूथ चल रही है और सब कुछ, और सच में एकदम ऑटोमेटिक टाइप की है, तो स्पेशली यहाँ भी सब एकदम बड़ा ही, मतलब एकदम अलग टाइप का सुंदर लग रहा है सब कुछ, मतलब हमारे लिए तो पहली बार है। और ये गियर, खैर वो तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसे राउंड करने का गोल वाला है, तो ये भी एक अलग चीज़ है। और रही अदिशी की बात, ऐसे बताती हूँ, रही अदिशी की बात, तो अदिशी को क्या हो रहा है कार में, क्या हो रहा है अदिशी को, बदबू नहीं, आपने इंग्लिश में क्या बोला था उसको, काफी स्टिंकी लग रहा है उसको कार में। सो ठीक है, एंजॉय करते हैं।
सो इस जगह का नाम है एवेंचुरा, और अगर आप अल्मीरे में हो तो आप यहाँ पे भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। काफ़ी बड़ी जगह है अभी, मतलब आदिशी एक दो बार अभी ये सेकंड टाइम ही आई है, हमें भी पहले ये जगह पता नहीं थी, बट बस ये है कि बस स्टॉप से थोड़ी सी दूर है, अदरवाइज काफ़ी अच्छी जगह है। ओह कार का है, दरे कार तो सो है काफ़ी अच्छी जगह, लेकिन यही है कि बस स्टॉप यहाँ से करीब करीब 40 मिनट्स बाय वॉक लगेगा, यही प्रॉब्लम है, बाकी बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो अगर अल्मीरे में आपको पार्टी करना है तो यहाँ भी आप बच्चों के बर्थडे मना सकते हो। आदिशी को ड्रॉप करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना कहीं घूम लेता है, एक्चुअली ऐसा पहले से प्लान नहीं था, बट फिर सोचा ठीक है घूम लेते हैं। सो हम आ गए गिथरून। हमारे घर से गिथरून बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब करीब 40-45 किलोमीटर है, जो कि नॉर्मल है। तो हम आ गए गिथरून और हमने कोई बोटिंग नहीं की, हमने सिर्फ वॉक की, और चूँकि कहना चाहिए कि ठंड थी और सब कुछ, तो ज़्यादा लोग नहीं थे, तो आई थिंक इस बार गिथरून घूमने में ज़्यादा मज़ा आया। तो हमने वॉक की अच्छी लंबी और कॉफ़ी पी और इस तरह से बस व्यू का जो एक मज़ा है वो लिया, तो ओवरऑल मज़ा आया, एक नया टाइप का एक्सपीरियंस हो गया। और इंस्टाग्राम पे मैंने रील भी बनाई है, तो वो भी जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। लोग अपना रिटर्न गिफ्ट खोलते हुए, आदिशी को बर्थडे में मेन जाना ही इसलिए रहता है कि रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। क्या मिला है आपको दिखाओ। लास्ट टाइम मेरे पास ये था फ्लेमिंगो वाला। फ्लेमिंगो वाला ओल्ड हाउस में थी मेरे पास एक। वाओ नाइस। और आपने एंजॉय किया? हाँ, न्यू फ्रेंड्स भी बनाए। नाइस नाइस नाइस। ओके, तो हम आ गए वापस और हम लोग भी बढ़िया घूम फिर आए। अच्छी बात ये हो गई, मतलब घूम आए, मतलब पता है सुबह ऐसा कोई मन नहीं था घूमने जाने का, लेकिन घूमाए, मैंने कुछ शूट नहीं किया ज़्यादा, बट हम गिथरून तक हो आए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी दूर के लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए। वन मिनट, हाँ मैं खोल देती हूँ, 5 मिनट्स। ओके, सो प्लान होना चाहिए आपके पास, लेकिन हम घूम के आ गए तो अच्छा लग रहा है। और कल का दिन मेरा बहुत बकवास गया था, ऐसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा सर दर्द था और सब कुछ, तो कल का पूरा दिन ऐसा गया था ना मेरा, बट आज थोड़ा घूमा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और वही है, जब भी आदिश्री कहीं जाती है, बिजी होती है, तो हम सोचते हैं हम थोड़ा सा वी टाइम स्पेंड कर लें, मज़ा आ जाए। आशीष अभी गाड़ी रखने गए हुए हैं, और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई जो कि मुझे लगता है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, लेकिन अभी ज़रा बस हम अभी आए तो मैं 5-10 मिनट बाद आपके साथ शेयर करूँगी, तो वेट करना। बहुत ज़रूरी बात है, एक डच लोगों वाली बात है जो मुझे लगता है मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो जस्ट मुझे 10-15 मिनट दो, आदिशी को थोड़ा नॉर्मल कर लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, सो अब जाके मुझे टाइम मिला है सारे दूसरे काम करके निपटा के, और आदिशी का वो गेम इतनी देर माता पच्ची चली, बट फाइनली उसने थोड़ी देर खेल लिया और वो ऊपर गई है। डिनर विनर सब कुछ हो गया है, और मैंने जैसा कहा था मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है, मतलब एक नया एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। आई थिंक मैं अपने व्लॉग्स में हमेशा अपने चैनल का मेरा जो है वो उद्देश्य ही है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। सो आज का जो एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस रहा, आज का तो नहीं, एक्सपीरियंस थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आज वो पूरी तरह से एकदम हुआ है। सो हुआ ये था कि आशीष के बर्थडे पे हम लोगों ने कुछ कैरेट केक ऑफिस के लिए बुक किए थे, कुछ नहीं थे, बहुत सारे थे, जिसका बिल टोटल 60 यूरो था। बट आशीष की उनके बर्थडे के नेक्स्ट डे, जिस दिन वो लेकर जाने वाले थे, उसके पहले ही तबीयत खराब हो गई थी, कैंसिल हो गया उनका जाना, और उस चक्कर में हमें वो केक करने पड़े कैंसिल। तो मैंने वो केक कैंसिल कर दिया ऑर्डर, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम ना, जो बेकरी वाले थे उन्होंने कहा यार हम लोग ना वापस तो नहीं लेंगे, ये बात है कि हम मतलब पैसे वापस नहीं करेंगे। तो मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया कि पैसे वापस ही नहीं कर रहे, मैंने कहा आधा अमाउंट कर दो, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करते, लेकिन आप उसका कुछ ले सकते हो। मैंने बोला बेकरी से 60 यूरो का मैं क्या लूँगी, केक लूँगी तो केक कौन खाएगा इतना सारा, और मतलब एक साथ मैं 60 यूरो का क्या लूँगी। तो उन्होंने कहा एक साथ 60 यूरो लेने की किसको ज़रूरत है। तो मैंने बोला फिर, तो उन्होंने कहा आप जब भी आओगे तो आप कुछ ले सकते हो, बाद में उसको आगे बढ़ा देना। ये बात है 25 जनवरी की, आज जाके मैं बेकरी गई, और आज जब मैं गई तो मैंने उन्हें जाके बोला कि मैं उस दिन आई थी, मैंने जिससे उस दिन बात की थी वो अलग इंसान था, उस दिन फ़ोन पे कैंसिल किया वो अलग इंसान था, और आज जब मैं गई तो मुझे अलग इंसान मिली वहाँ पे,
और मैंने जाके कहा, उन्होंने कहा कितनी तारीख की बात है, मैंने बोला इतनी तारीख की बात है। उन्होंने डायरी तक भी चेक नहीं की, उन्होंने कहा ओके, पहली बात उन्हें याद थी ये बात, ये सबसे अच्छी बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कितने का बिल था आप ही बता दो, मैंने बोला 60 यूरो का बिल था। उन्होंने कहा ओके ठीक है। फिर उन्होंने एक पेपर लिया, उस पर 60 यूरो लिखा, और ना तो नाम लिखा ना नंबर लिखा। उन्होंने कहा आपको अभी क्या चाहिए, तो मैंने कुछ कुकीज़ और ऐसे करके 20 यूरो की चीज़ें उठा ली, और वो बचा हुआ जो बैलेंस था 40 यूरो का, उन्होंने कहा कि हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, आप अगली बार जब भी आओगे आपको और कुछ चाहिए आप ले लेना। तो इस तरह आप बार बार आके आपका जो भी अमाउंट है वो कटवा लेना। मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हुई हूँ। मतलब यार आपके पैसे वेस्ट नहीं हुए, मैं मानती हूँ अगर ऐसे देखो तो वेस्ट ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हें यूज़ कर पा रहे हो। आपको इकट्ठे यूज़ नहीं करने पड़े, थोड़े थोड़े करके आपने यूज़ किए, बट एटलीस्ट आप यूज़ कर पा रहे हो। तो मतलब जो है ना, ये चीज़ मुझे एकदम दिल को छू गई मेरे तो, और मतलब आशीष को भी, हम दोनों को बहुत अच्छी लगी। तो जब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऐसे दिन पर दिन आप जब जैसे जैसे आप कहते हो ना, आप लाइफ जीते जाते हो और आप कुछ नया एक्सपीरियंस करते हो, कुछ नया सीखते हो। पिछले ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं नेदरलैंड्स में, और मैं हर दिन यहाँ के लोगों से कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ। होती हैं दिक्कतें क्योंकि आप एक नई जगह से आते हो, नए टाइप के लोगों के बीच में से आते हो, तो ऑफकोर्स चीज़ें चेंज होती है, नई चीज़ें मिलती हैं, होती हैं, एडजस्ट भी कई बार करना पड़ता है। बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते हो ना, आई थिंक ये बेस्ट एक्सपीरियंस है। मतलब मेरे तो एकदम दिल को छू गई कि यार कोई आपके साथ इस तरह से भी एडजस्ट कर सकता है, वो भी भरोसे पे चीज़ें चल रही हैं। आज हम लोग आ रहे थे, रास्ते में बहुत सारे ऐसे फार्मर खेत टाइप के आए, वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस वहाँ पर वो पालक की गड्डियाँ रखी हुई थी थैलियों में, और वहाँ लिखा था एक गड्डी 2 यूरो की, 2.5 यूरो की, तो आप बस पालक ले लो और वो 2.5 यूरो वहाँ रख दो, वहाँ एक बॉक्स था आप उसमें डाल दो, दैट्स इट। मतलब भरोसे पे दुनिया चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी इंसानियत है, इसका ये एक एग्जाम्पल मिलता है। तो जो भी है, बस मुझे ऐसा लगा मुझे चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, स्पेशली हम इंडियंस के साथ, क्योंकि पता नहीं हम बहुत सारी चीज़ें ना पीछे छोड़ते जा रहे हैं, भरोसा तो जिसमें पता नहीं कहाँ ही जाता जा रहा है। बट अच्छा लगा, सो मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो यही था व्लॉग, आई होप ये वीकेंड व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस तरह के व्लॉग के साथ बने रहिए। लाइक ज़रूर कीजिए, इतने सारे व्यू आते हैं इसका मतलब लोग देखते हैं, तो अगर आप देख रहे हो तो लाइक भी कर दिया करो तो अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।